नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज, मैं हूं स्वाति सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने शुरू की तैयारियां। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने के लिए आपने कसी कमर। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। पंजाब सरकार ने मानी किसानों की मांग, गन्ने का रेट बढ़ाकर किया 360 रुपए प्रति क्विंटल। गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे पंजाब के किसान, सीएम अमरिंदर सिंह के ऐलान के बाद किसानों ने प्रदर्शन लिया वापस। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मामले आए सामने, कुल संख्या पहुंची 100 के पार। अल्फा वेरिएंट के साथ साथ कप्पा वेरिएंट की भी हुई पुष्टि, सरकार की बड़ी चिंता। बिहार पंचायत चुनाव का बच चुका है बिगुल, अधिसूचना हुई जारी। 24 सितंबर से शुरू होने वाले पंचायत चुनाव में 2.5 लाख से अधिक बैलेट बॉक्स का किया जाएगा इस्तेमाल। 11 चरणों में कराए जाएंगे बिहार में पंचायत चुनाव। उत्तराखंड में भारी बारिश, कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। एनडीआरएफ की टीम है अलर्ट पर। पर्यटक से लेकर आम जनता से सतर्क रहने की अपील। अफगानिस्तान संकट पर पूरा विश्व चिंतित, लगातार जारी है बैठकों का दौर। ब्लॉक मीटिंग में भारत को भी आमंत्रित करने के पक्ष में है G7 के प्रभावी नेता। महिलाओं और बच्चों की दयनीय स्थिति को देखते हुए जल्द बीच का रास्ता निकालने की है कोशिश। चीन के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में जोड़े जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विचार, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, बच्चों के कोर्स में हुआ अनिवार्य। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर अमेरिका में तनाव, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर साधा निशाना, कहा हो सकता है काबुल से हजारों आतंकी किए गए हों एयरलिफ्ट। आज से ही लीड्स में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया है 1-0 से आगे। कप्तान विराट कोहली के फॉर्म में लौटने की फैंस को है उम्मीद। तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, तेजी से हो रहा है कारोबार, 56,000 के पार खुला सेंसेक्स।